तो यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू बैक बैक दी वेलकम। तो गाइस आज अपन करने वाले हैं ग्रैनी चैप्टर 1 में डोर एस्केप। तो गाइस आपको पता ही होगा डोर एस्केप के लिए क्या क्या सामान लगता है। अगर नहीं पता तो भाई इस वीडियो में पता चल जाएगा। और आपको मैं इजीएस्ट से इजीएस्ट ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप डोर एस्केप कर सकते हैं, मतलब सबसे ईजी ट्रिक। तो गाइस आपको कुछ नहीं करना, ऊपर वाले फ्लोर पर पहले सामान ढूंढने, मैं आपको पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स देके सिखा दूंगा गाइस, ठीक है। तो ये लीवर खींचने से गाइज ये पीछे आता है, देख लो भाई, सब कुछ सिखा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको बुक रखना है, तो बुक से आपको भाई स्पाइडर की मिल जाएगा, और स्पाइडर की से आप जाएंगे सीवियर में, और सीवियर एस्केप भी होता है गाइज इसमें। मतलब सीवियर आपको इस गेम में मतलब 3 रास्तों से भाग सकते हैं, सीवियर एस्केप, डोर एस्केप एंड कार एस्केप। तो गाइज अपन इस वीडियो में डोर एस्केप ही करने वाले हैं, ठीक है गाइज। सीवियर एस्केप और कार एस्केप की वीडियो आएंगी, ठीक है, वो भी देख लेना। तो चलो गाइज मैंने भी, और गाइज आपको बता दूं भाई, देखो गाइज 2 नंबर है सीवियर में जाके, वहाँ पे 2 मिस्ट्री बॉक्स रहते हैं, उसको खोलना रहता है, दोनों में से 1 और 2 नंबर रहते हैं, तो वहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ता है। तो गाइज कहाँ पे भी आपको ऐसे नंबर दिखेगा 2 1, तो गाइज आप वहाँ पे मतलब मिस्ट्री बॉक्स को खोलते वक्त वो नंबर दबा दो, वो नंबर वाला मिस्ट्री बॉक्स ओपन करो, ठीक है गाइज। तो गाइज मेरे को फोटो मिल चुका है एक, तो मैं फोटो को भी यहाँ पे फेंक देता हूँ। और वो देखो ग्रैनी वहाँ पे थी गाइज, तो गाइज ग्रैनी आ चुके पीछे भाई। चलो गाइज अभी मैं ऊपर का फ्लोर तो चेकअप कर लिया भाई पूरा। गाइज बर्ड सीट्स दिखाता हूँ, गाइज बर्ड सीट्स का यूज़ क्या है गाइज दिखाता हूँ, सब दिखाता हूँ गाइज। और आप भाई बिगिनर्स हो तो भाई आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है गाइज। बर्ड सीट्स को आपको मतलब वो क्रो रहता है, उसको खिलाना रहता है, और क्रो के लिए ये सीक्रेट रास्ता है, यहाँ से डोर, यहाँ से मे हॉल से डाइनिंग टेबल के ऐसे ये ग्लास, ये मतलब विंडो है, वहाँ से जंप करना है आपको और यहाँ पे आ जाना है, ठीक है गाइज। और देखो यहाँ से डाउन होते होते आपको राइट ले लेना, देखो, और आप लोग पहुँच जाओगे बर्ड के पास। और ये क्रो को मतलब कुछ नहीं, मतलब एक बर्ड सीट देना है, फिर ये बाहर निकल जाता है। आप इसको शॉटगन से भी मार सकते हो गाइज। कॉकपिट मिल चुका है, बहुत ज़रूरी चीज़ है गाइज, प्ले हाउस की में लगता है भाई, प्ले हाउस ओपन करने के लिए, प्ले हाउस के अंदर मतलब लगता है ये कॉगविल, जिससे अपन डोर का इलेक्ट्रिसिटी मतलब बंद कर सकते। अरे यार ग्रैनी आ चुके हैं भाई साहब, मेरे को पता भी नहीं था गाइज, आपको ही पता था कि ग्रैनी आ रही है कि नहीं, मेरे को पता ही नहीं चला गाइज। तो गाइज अपन अपने पास 5 डे होते हैं, आपको सबको पता ही होगा भाई। तो गाइज ये मेरा 2nd डे, और मेरे पास 4 दिन है। तो गाइज देखते हैं मैं 2nd गेम में कर पाता हूँ या नहीं, मतलब कि बिना मरे। तो गाइज आप वीडियो को ज़रूर से एंड तक देख लेना, आई होप सो गाइज आपको मज़े आ रहे होंगे अभी तक, कॉमेडी तो चलती रहेगी गाइज। तो भाई मैं यहाँ पे साउंड क्रिएट कर लेता हूँ, तो ग्रैनी यहाँ पे चली आएगी, आपको भी पता है भाई ग्रैनी साउंड को देख के आती है। तो गाइज मैं सब कुछ चेक कर लेता हूँ भाई, इसको भी यहाँ पे ड्रॉप कर लेता हूँ। गाइज शॉटगन अपनी रेडी हो चुके आई थिंक, हाँ अपनी शॉटगन रेडी हो चुके। गाइज शॉटगन बनाए या नहीं बताओ आप, शॉटगन बनाए या नहीं, शॉटगन बनाई है नहीं बनाए, बचा शॉटगन ही बनाते हैं गाइस। सबसे पहले शॉटगन बनाने के लिए कुछ नहीं करना गाइस, यहाँ पे मतलब नीचे जाना है, और वहाँ पे शॉटगन जा कार, अपन कार एस्केप करते हैं, वहाँ पे एक शॉटगन का मतलब पूरा ऐसे स्ट्रक्चर रहता है पहले से बना हुआ, यहाँ पे एक एक पीस रखने हैं आपको। तो गाइस मैंने एक पीस रख दिया है पीछे का। अरे गाइस वेपन की मिल चुकी है गाइस, अभी अपने को शॉटगन की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वेपन की सबसे बेस्ट है गाइस इस गेम में, वेपन की मिल गई समझो गेम कंप्लीट हो चुकी है गाइज। बिकॉज वेपन की से अपन ग्रैनी को भी मार सकते हैं, और स्क्रू ड्राइवर भी गिरा सकते हैं, और वहाँ पे फ्रीज वाला वाटर मिलन रहता है, वहाँ पे भी उस रूम में भी जा सकते हैं अपन। तो गाइज चलो मैं सबसे पहले वेपन की का यूज़ करके क्रॉसबो ले लेता हूँ, और ट्रैंकुलर मतलब इंजेक्शन जैसा कुछ तो रहता है भाई, उससे अपन ग्रैनी को मार सकते हैं। तो गाइज चलो मैं फटाफट से ये ले लेता हूँ भाई अपना क्रॉसबो, और ये ले लिया क्रॉसबो, और इसका नाम क्या है भाई, ट्रैंकुलाइजर डार्ट, चलो भाई इसको भी ले लिया हूँ। तो गाइज अपने को सिर्फ ग्रैनी का वेट करना है अभी तक, यहाँ पे जब ग्रैनी आएगी उसको सीधा मैं बूम बम दे दूंगा इंजेक्शन, और वो भाई बेहोश हो जाएगी 2 मिनट के लिए। तो गाइज चलो भाई ग्रैनी को ढूंढते हैं अभी, कहाँ पे ग्रैनी, कहाँ है ग्रैनी, वेयर आर यू। चलो भाई ग्रैनी किधर है, आई थिंक ग्रैनी नीचे हो रही। तो गाइज मैं निशान लगा रहा हूँ, और ये देखो मेरा निशाना डायरेक्ट ग्रैनी के हाथ पे गाइज, देख सकते हैं गाइज मेरा निशाना कितना परफेक्ट है।
ग्रैनी साइड हो जा ग्रैनी, मुझे इंजेक्शन लेने दे मेरा। चलो गाइस वापस ले लेता हूँ मैं इंजेक्शन, और ये मैं लगा देता हूँ स्क्रू ड्राइवर पे। चलो गाइस स्क्रू ड्राइवर भी मिल चुका है, और अपन स्क्रू ड्राइवर से देखते हैं भाई कि अपने को क्या सामान मिल सकता है गाइस। और अपन अभी नीचे भी जाएंगे गाइस, नीचे मतलब स्पाइडर की का भी यूज़ दिखाऊंगा आपको, ठीक है गाइस? तो टेंशन मत लियो, स्पाइडर की का भी यूज़ दिखा दूंगा, ठीक है? आई होप सो गाइस इसमें मेरे को अच्छा सामान मिले। वाओ गाइस पैडलॉक की मिल चुकी है गाइस, पैडलॉक की से अपन गाइस डोर को ओपन कर सकते हैं। तो चलो गाइस मैं डोर ओपन करके दिखाता हूँ, डोर का मतलब लॉक ओपन कर सकते हैं। ये रहा लॉक और ये हो चुका है ओपन, देख सकते हैं गाइस। तो गाइस अपन शॉटगन भी बनाते हैं गाइस, टेंशन मतलब शॉटगन भी रेडी करते हैं ताकि अपन ग्रैनी को शॉटगन से मारें, बिकॉज शॉटगन का मज़ा ही अलग है गाइस। शॉटगन में मारने में जो मज़ा है वो बाकी किसी और चीज़ में नहीं है। तो गाइस चेन गटर भी मिल चुका है, चेन गटर का भी यूज़ बताता हूँ गाइस आपको। चेन गटर क्यों यूज़ होता है गाइस आपको पता ही होगा, चेन कटर से आपको मतलब कुछ करना नहीं है, यहाँ पे वायर्स को मतलब तोड़ना है। इसे ये तोड़ दिया मैंने एक वायर, और यहाँ पे एक ऊपर का वायर रहता है ताकि ये डिजिटल लॉक भी टूट जाए। ये तोड़ दिया डिजिटल लॉक, लेट्स गो। और ये फ़ोटो मिल गया और एक। तो गाइस अपन फ़ोटो बनाए या नहीं बताओ, फ़ोटो भी बनाते हैं गाइस, फ़ोटो भी बनाते हैं लोगों को। ये भी एक फ़ोटो रख दिया हूँ, अब स्क्रू ड्राइवर को ऊपर रख के आता हूँ गाइस। और गाइस शॉटगन भी रेडी हो चुकी है, शॉटगन का सिर्फ एक ही पार्ट चाहिए अभी। स्क्रू ड्राइवर को अभी ऊपर रख के आता हूँ गाइस, आपको पता ही होगा भाई स्क्रू ड्राइवर को कहाँ पे, स्क्रू ड्राइवर का स्पाइडर की के इसमें भी यूज़ है, मतलब स्पाइडर के यहाँ पे यूज़ भी है भाई। तो गाइस अभी मेरे को अभी शॉटगन बनानी है, तो शॉटगन का बीच वाला पार्ट चाहिए, वो मेटल का बना होता है गाइस, आपको भी पता होगा भाई मेटल का पार्ट। ये रहा गाइस पार्ट ऑफ शॉटगन, उठा लिया मैं अभी इसको भाई, मैं रख देता हूँ शॉटगन से, अभी शॉटगन से ग्रैनी को मारेंगे गाइस अपन, ठीक है? तो गाइस शॉटगन रेडी हो चुके हैं आई थिंक अपनी, हाँ हो चुके हैं गाइस। तो गाइस ग्रैनी का इंतज़ार करते हैं, मैं ग्रैनी को क्लोजअप में नहीं बुलाऊंगा, वहाँ पे ऊपर ही मारूंगा गाइस, ग्रैनी का खात्मा ऊपर ही करते हैं। तो गाइस ग्रैनी मतलब खात्मा तो नहीं होगा उसका, टेम्प्रेरी घोस्ट है ना गाइस, इसलिए वो परमानेंट कभी नहीं मरते, घोस्ट कभी परमानेंट मरते नहीं है गाइस, वो टेम्प्रेरी मरते हैं। तो गाइस चलो भाई ग्रैनी को मार देते हैं, ये रही अपनी शॉटगन, और ग्रैनी को ढूंढते हैं अभी। तो गाइस ग्रैनी किधर है अभी मेरे को पता नहीं है, लेट्स गो। मैं ग्रैनी को बुलाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से शॉटगन मतलब ग्रैनी शॉटगन का साउंड सुन के यहाँ पे आ जाएगी, देखते गाइस ग्रैनी आ रही है कि नहीं। मैंने वापस से शॉटगन फेंक दी भाई, लेट्स गो ग्रैनी आती है क्या नहीं देखते गाइस, लेट्स गो लेट्स गो। आजा ग्रैनी आजा। तो गाइस ग्रैनी आ चुके हैं, मैं अच्छे से इसको निशाना लेके और ये दे दिया मैंने इसको फटाक से हेडशॉट। तो गाइस मेरे एक एमओ भी कम हो चुके हैं, तो गाइस एमओ लोड कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने एमओ लोड कर दी है, तो गाइस अभी मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे अभी वो नोटबुक लेके आनी है, और वो नोटबुक मुझे ऊपर रखना है, और इन दोनों का भी यूज़ पता ही होगा गाइस तुमको। चलो गाइस वो नोटबुक उठा लेता हूँ मैं, जो नोटबुक मैंने देखी थी यहाँ पे, नहीं सॉरी गाइस मैं गलती से यहाँ पे आ गया, मैंने नोटबुक नीचे देखी थी, दिखाता हूँ गाइस आपको, और वो नोटबुक का यूज़ भी बता देता हूँ गाइस। कहाँ पे गई भाई बुक, यहाँ पे ही देखी थी मैंने कहाँ पे, ओ सॉरी गाइस वो नोटबुक यहाँ पे नहीं है, मैंने वो नोटबुक ऊपर ही देखी थी, अभी मेरे को याद आया। तो गाइस प्ले हाउस की भी मिल चुकी है मेरे को, अभी एक ही कॉगविल चाहिए, तो गाइस एक और कॉगविल लाते बाद में। चलो अभी लाते गाइस कॉगविल और कॉगविल एंड रिमोट कंट्रोल दोनों का भी लाते, और आपको रिमोट कंट्रोल का यूज़ भी पता होगा गाइस, रिमोट कंट्रोल से अपन वो डोर खोल सकते हैं, और वो डोर खोलने के बाद आपको एक स्प्रे मिलता है और कुछ भी एक आइटम मिलता है। तो गाइस कॉगविल को भी ऊपर रख देते अपन वहाँ पे डोर के पास, अपन जैसे आए थे, तो लेट्स गो गाइस कॉगविल को भी अपन वहाँ पे रख देते हैं, एंड रिमोट कंट्रोल को ला के वो डोर ओपन करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस रिमोट कंट्रोल का यूज़ आपको पता ही होगा भाई, स्प्रे उसमें से आपको स्प्रे मिलता है येलो कलर का, जिससे आप ग्रैनी को बेहोश कर सकते हो, मतलब कि अंधा कर सकते हो गाइस। तो अंधा करने के लिए ग्रैनी को अपन मैं दिखा देता हूँ गाइस आपको एक बार यूज़ करके, ठीक है? तो टेंशन मत लो गाइस, स्प्रे का यूज़ बता दूंगा मैं, यूज़ करके बता दूंगा। तो भाई अभी चलते हैं गाइस, चले चलो भाई। नोटबुक भी मिल चुके हैं गाइस, और मैंने ग्रैनी हाउस पूरा चेक कर लिया आई थिंक, मुझे अभी अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा। तो गाइज आप रेडी हो या नहीं अंडरग्राउंड जाने के लिए बताओ गाइज, अंडरग्राउंड जाने के लिए रेडी हो या नहीं?
अंडरग्राउंड और वॉट। लेट्स गो गाइस, अंडरग्राउंड चलते हैं। तो गाइस मेरे को ये नोटबुक उठानी है अभी, और ये नोटबुक उठा के मेरे को रख देनी है ग्रैनी के बहन के पास, मतलब कि ग्रैनी के बहन। तो गाइस ये रही ग्रैनी के बहन, और मैं यहाँ पे नोटबुक रख देता हूँ। और भाई ये क्या हो गया भाई बुढ़वा को, ये क्या हो गया भाई इसको, भाई 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 ये क्या हो गया इसको। और यहाँ पे अलग अलग फ़ोटो क्यों रखे हैं भाई। चलो गाइस कोई ना, फ़ोटो ऐसे ही रखे हैं, मुझे अब कुछ नहीं करना भाई। तो सीधा मुझे अभी मुझे सीधा भाई नीचे जाना है स्पाइडर के पास, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे भी कुछ सामान के देख लेता, कुछ नहीं है भाई यहाँ पे। और गाइस आपको पता ही होगा ये उठ टूटता भी है, और ये इसको तोड़ने के लिए आपको हैमर भी लगता है, और बिना हैमर के भी तोड़ सकते हो। तो गाइस मैं बिना हैमर के तोड़ के बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो टेंशन मतलब बिना हैमर के तोड़ के बताता हूँ कैसे तोड़ते हैं। मुझे उसके लिए वो चेन कटर लाना पड़ेगा गाइस जो नीचे है। तो रुको गाइस ग्रैनी आ रही है, तो ग्रैनी से भाई थोड़ा छुटकारा पा लेते हैं। और भाई ये क्या कर रहा है भाई, ये ग्रैनी की बहन क्या कर रही है, रेंग क्यों रही है। तो गाइस ये रेंग रेंग के मेरे को स्पाइडर की देगी। तो गाइस स्पाइडर के लेने के लिए रेडी हुए नहीं, बताओ भाई स्पाइडर की लेने के लिए रेडी हो या नहीं। तो गाइस ग्रैनी कहाँ है अभी, कहाँ है ग्रैनी। तो गाइस मुझे ग्रैनी यहाँ पे दिख गई भाई, क्या ही बचा मैं भाई साहब, क्या ही बचा हूँ। तो गाइस ग्रैनी यहाँ पे ही है, और मुझे स्पाइडर की भी मिल चुकी है गाइस। चलो गाइस मैं आपको रिमोट कंट्रोल का यूज़ बताता हूँ, क्या है रिमोट कंट्रोल का यूज़ और क्या नहीं। तो गाइस रिमोट कंट्रोल मेरे को पहले सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा, ये रहा रिमोट कंट्रोल, मैं ढूंढ लिया हूँ। और यूज़ पे क्लिक करें, ये ले लिया हम रिमोट कंट्रोल, और ये ले लिया स्प्रे, पेपर स्प्रे। अब ग्रैनी के मुंह पे छिड़कता हूँ भाई। देखो गाइस ग्रैनी अंधी हो चुकी है, ग्रैनी मेरे को कभी नहीं मारेगी, मतलब 20 सेकंड के लिए, 15-20 सेकंड के लिए मारेगी नहीं। देख सकते हो गाइस अंधी हो चुकी है, उसको मतलब कुछ दिखता नहीं है, तो कुछ कर नहीं पाती है, ऐसे घूमते रहती है। तो गाइस मैंने आपको स्प्रे का यूज़ बता दिया हूँ। तो गाइस ग्रैनी जिंदा, ओ उसको मतलब कुछ समझ में नहीं आता। देखो गाइस मैं उसके सामने था, फिर भी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी भी उसको समझ में नहीं आ रहा। देखो गाइस ओ एक मिनट के लिए अंधी हो जाती है गाइस ग्रैनी, तब तक के लिए उसको कुछ नहीं समझ में आता गाइस। देख सकते हो कितनी अंधी है भाई, अरे यार क्या ही बचा मैं। तो गाइस ग्रैनी जब तक अंधी है अपन अपना काम कर लेते हैं गाइस, अपन अपना काम कर लेते तब तक, ठीक है। अपने को कुछ काम नहीं करना, मतलब ऐसे ही टाइम पास करना है। तो ग्रैनी को मैंने यहाँ पे बुला दिया हूँ, ठीक है गाइस वहाँ पे बुला दिया। तो ग्रैनी वहाँ पे चली जाएगी, चली गई। और मैं यहाँ पे ग्रैनी को इस साइड बुलाता हूँ। तो ग्रैनी आ चुकी है इस साइड, देख सकते हो गाइस। तो मैं ऐसे ग्रैनी को कंफ्यूज कर रहा हूँ, आपको भी पता होगा ग्रैनी को कंफ्यूज क्यों करते हैं। भाई इसके ऊपर नहीं रुकूँगा, साइड में रुकूँगा। तो गाइस मुझे अभी स्पाइडर की लानी है, और स्पाइडर की आपको पता है कौन सी है भाई, ये वाली। भाई भाई ग्रैनी किधर है, ये रही ग्रैनी गाइस, देख सकते हो ग्रैनी को। तो गाइस अपन अभी अंडरग्राउंड जाने वाले हैं, तो अंडरग्राउंड जाके मेरे को भाई नीचे से जितना भी सामान मिलेगा उनको एक्सट्रैक्ट करूँगा, ठीक है। तो बाय बाय ग्रैनी, मिलते हैं अगले किसी दिन में। तो गाइस मैं अंडरग्राउंड पहुँच गया हूँ, आप देख सकते हैं गाइस अंडरग्राउंड पहुँच गया हूँ। मुझे अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना, इन सामानों को नीचे फेंकना है, यहाँ से ये फेंक दिया और इसको भी फेंक लूँगा। तो गाइस इसको मैं साथ में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। चलो गाइस, तो गाइस मैं अभी आपको ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, स्क्रू ड्राइवर लेके यहाँ पे आना है, और ये है अपना, ये है अपना व्हील चैंक। व्हील चैंक को आपको यहाँ पे मतलब ड्रॉप नहीं करना, तो आपको कुछ करना नहीं है। आपको मतलब व्हील चैंक को लेके भाई यहाँ पे लेके जाना है, व्हील क्रैंक को आपको वहाँ पे डालना है, व्हील क्रैंक को आपको वहाँ पे डालना है, और यहाँ पे आपको एक डोर ओपन हो जाएगा। तो गाइस ये डोर ओपन होने के लिए आपको मतलब कुछ करना नहीं है, ऑटोमेटिकली डोर ओपन हो जाता है गाइस। लेट्स गो गाइस, डोर ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर यहाँ पे एक बॉक्स रहता है, इसमें आपको कुछ भी सामान मिल सकता है, फिलहाल तो मुझे कुछ नहीं मिला नहीं अभी तक। तो गाइस एक और बॉक्स रहता है यहाँ पे, जिसको मैं ओपन करने वाला हूँ। अरे यार स्पाइडर आ चुका है गाइस, क्या ही बचा मैं स्पाइडर से। देखो गाइस स्पाइडर है, देखो इसका मुंह, देखो गाइस कैसे नल्ला है भाई, खाने के लिए भाई मेरे को खा जाएगा नल्ला। लेट्स गो गाइस, मुझे नहीं खा पाएगा ये।
बिकॉज मैं बहुत प्रो और इससे भी बहुत प्रो। तो गाइस मुझे अब स्क्रू ड्राइवर लेके जाना है उधर, तो चलें लेट्स गो गाइस। स्क्रू ड्राइवर मिल चुका है यहाँ। चलो पहले तो ये स्क्रू ड्राइवर लेके और रूम चेकअप कर लेते हैं। अरे मैंने रूम चेकअप कर लिया गाइस, और यहाँ पर रहता है ये बॉक्स। यहाँ पे अपन कर सकते हैं स्क्रू ड्राइवर लेके अनबॉक्स, देखते हैं गाइस क्या मिलता है मुझे। वाह मास्टर की गाइस, मास्टर की बहुत ओपी है गाइस। यहाँ पे गाइस आपको मतलब कि सीवर एस्केप करना है तो गाइस ये पाइपलाइन है, वहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ पे रश पैडलॉक की लगता है, यहाँ पे एक वुडन स्टिक लगता है, और यहाँ पे लगता है चेन कटर ग्रीन कलर वाला। लेट्स गो गाइस। कहाँ है ये देखो नल्ला, यहाँ पे ये नल्ला। लेट्स गो गाइस, मैं ये रास्ते से भाग जाऊँगा नल्ले को चकमा देते हुए। तो गाइस नल्ला देखो भाई कैसा है, बहुत खतरनाक है ना, बहुत खतरनाक है था भाई। मुझे तो डर नहीं लगता भाई इसका, बिकॉज मैं इसको चकमा दे देता भाई। लेट्स गो गाइस, यहाँ पर भी कुछ सामान नहीं है, और यहाँ पर भी देख लेते गाइस क्या मिलता है ये बॉक्स में। ये बॉक्स में देखते गाइस क्या मिलता है अपने को। ये बॉक्स में गाइस मिला है मेरे को स्पेशल की। वाओ स्पेशल की भी बहुत ओपी है गाइस। तो गाइस अपना भी पूरा हो चुका है आई थिंक। अभी मुझे सिर्फ एक ही रूम को देखना है भाई, एक ही रूम को देखना है, और वो रूम है ये। और आपको नंबर याद ही होगा, स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको याद रखने। तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कौन सा नंबर है इसमें से। मेरे को तो फिलहाल पता है, मैंने देखा था भाई वहाँ पे कौन सा नंबर था। वो नंबर था गाइस 1, ऐसा है ही नहीं भाई 2 है नंबर, बिकॉज मैंने वहाँ पे देखा था गाइस, इसलिए 2 नंबर है। लेट्स गो गाइस, अगर आप 1 पे कर दोगे तो आपका एक डे ख़त्म हो जाएगा, यानी कि आप यहाँ पे शौक लग के मर जाओगे। तो गाइस आपको शौक नहीं लगाना खुद को, तो भाई जो नंबर आपको दिखेगा भाई ग्रैनी हाउस में वही दबाना। ऐसे स्टिकर वाइट स्टिकर पे ब्लैक नंबर दिखता है, 1 या तो 2 ही दिखता है, बिकॉज वही दो ही मिस्ट्री बॉक्स है ना। तो गाइस ये नल्ला आ रहा है देख सकते हो, और इस नल्ले को मैं चकमा दे दूँगा। देखो गाइस मैं इसको यहाँ पे बुला रहा हूँ, क्लोज जितना क्लोज बुला सकते हो उतना क्लोज बुलाओ, फिर चकमा दो। तो गाइस देखो मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ये देखो जितना क्लोज बुला सकते हो उतना क्लोज बुलाओ, फिर भाग जा रहे भाई साहब, दीवार आ गई थी क्या ही बचा मैं। तो गाइस देख सकते हो मैंने सारा माल लूट लिया है ग्रैनी हाउस, इसका स्पाइडर का सारा माल लूट लिया, मतलब जितना भी इम्पोर्टेंट था माल सारा लूट लिया हूँ। अभी गाइस आप प्रिडिक्ट कर लो भाई सेफ किसे मेरे को क्या मिलेगा, ठीक है सेफ किसे क्या मिलेगा आप ज़रूर से प्रिडिक्ट करना। और स्पेशल की का यूज़ तो आपको पता ही होगा भाई, वहाँ पे भी आपको एक ट्रिक बता दूंगा मैं, ठीक है टेंशन ना लियो गाइस, टेंशन ना लियो। और गाइस मैं आपको विदाउट हैमर भी खोल के बताऊंगा डोर, गाइस सच्ची में कह रहा हूँ भाई विदाउट हैमर, हैमर के मैं खोल के बताऊंगा आपको। चलो गाइस यहाँ पे तो ग्रैनी नहीं आ पाएगी आई थिंक सो। लेट्स गो भाई चेन कटर, वाह कटर प्लेयर मिल चुका है गाइस, और ग्रैनी में आ चुके हैं। तो गाइस मैं आपको विदाउट हैमर खोल के बता देता हूँ ऊपर के प्लैंक्स, ठीक है। तो गाइस मैं चलता हूँ सीक्रेट रास्ते से, यानी कि यहाँ से, और मैं पहुँच गया हूँ ऊपर। और गाइस देख सकते हो मैं अभी आपको एक ट्रिक बताऊँगा, जिस ट्रिक से आप खोल सकते हो ये डोर्स विदाउट हैमर। तो गाइस आपको कुछ करना नहीं, यहाँ पे सीधा इसको इंसान को मतलब ये प्रैक्टिस मैच के लिए ग्रैनी हाउस ग्रैनी ने बनाया। तो गाइस आपको यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे क्राउच होना है, और यहाँ पे आपको ड्रॉप कर देना है ऐसे, ये ड्रॉप कर दिया आपने गाइस ऐसे, और आपको यहाँ पे डिब्बे में चुप जाना है। तो गाइस थोड़ा वेट करो 10 सेकेंड, ग्रैनी आ जाएगी ऑटोमेटिकली, और ग्रैनी अपने लकड़ी से इस डोर को तोड़ देगी। तोड़ दे ग्रैनी प्लीज। तो ग्रैनी ने गाइस तोड़ा है या नहीं मेरे को पता समझ नहीं आ रहा गाइस तोड़ा, बिकॉज मैंने अच्छे से नहीं रखा था। तो ग्रैनी ने भाई इस अच्छे से नहीं तोड़ा। तो गाइस थोड़ा वेट करो मैं वापस से ट्राई करता हूँ। हाँ तो गाइस ग्रैनी ने तोड़ दिए देख सकते हो, ग्रैनी ने क्या ही स्वाद तोड़े भाई, ग्रैनी ने तोड़े ही नहीं यार। तो गाइस ट्रिक मतलब थोड़ी फे मैंने गलत इस्तेमाल की इसलिए वैसे हो गया। अभी अच्छे से बताता हूँ कैसे करना है, यहाँ पे ऐसे करना है और इसको नीचे फेंक देना है, और आपको यहाँ पे छुप जाना है। अभी गाइस सच्ची में हो जाएगी सक्सेसफुल ट्रिक, सक्सेसफुल रियल में हो जाएगी, देख लेना। ग्रैनी आ चुकी है गाइस देख सकते हो, ग्रैनी आ चुकी है। अभी वो उधर अपने मतलब लकड़ी से तोड़ देगी खुद ब खुद,
देखो गाइस टूट गए, देखो मैंने विदाउट हैमर सारे टूट गए। तो गाइस इसी बात पे लाइक कर दो यार स्ट्रीम को, इसको वीडियो को, सॉरी गाइस स्ट्रीम बोल दिया होगा गाइस गलती से थोड़ा फ्लो में। तो गाइस इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, आपके लिए कितना मेहनत करता हूँ गाइस, डेली मतलब गेम प्ले भी डालता हूँ एंड आपके लिए मैं अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स भी लाता हूँ। तो गाइस ग्रैनी ने तोड़ दिया है, देख सकते हो गाइस, और मैं ग्रैनी के पीछे ही है। चलो गाइस यहाँ पे थोड़ा चेकअप करते हैं भाई, ये रूम में क्या क्या मिलता है मुझे। तो गाइस मुझे यहाँ पे कार की मिल चुके हैं, तो गाइस आपको कार की का यूज़ पता ही होगा भाई क्या है और क्या नहीं। लेट्स गो गाइस, कितना फास्ट खेल रहा हूँ गाइस मैं। तो गाइस ग्रैनी देखो भाई यहाँ से आ रही, यहाँ से नहीं आ पाती ग्रैनी, आपको बता दूंगा मैं ग्रैनी यहाँ से क्यों नहीं आ पाती। चलो गाइस ये रेंच ले लिया मैं और यहाँ से मैंने तोड़ दिए, मैं फंस गया भाई, बेकार फंस गया, क्या ही बचा भाई। प्रो प्लेयर भाई, क्या ही प्रो प्लेयर हूँ मैं, जॉड और वॉट। तो भाई मुझे अभी कार के मिल चुके हैं, आई थिंक कार के में मेरे को हैमर मिलेगा। चलो गाइस हैमर ढूंढते हैं, आई थिंक मिल ही जाएगा हैमर। हैमर मिल ही जाएगा भाई, लेट्स गो। तरबूज मिल चुका है गाइस तुम्हारे भाई को, और तरबूज में आपको पता ही हो क्या मिलता है। तो गाइस आपको पता ही होगा तरबूज में मेरे को मिलेगा कॉगविल, आई थिंक मुझे कॉगविल ही मिलेगा बिकॉज कॉगविल एक बचा है और रेड कलर वाला कॉगविल बचा है गाइस। तो गैसोलीन है यहाँ पे, गैसोलीन का कुछ यूज़ नहीं है। तो गाइस वाटरमेलन को तोड़ते हैं। ओह स्पार्क प्लग भाई, कुछ भी फालतू चीज़ दे रहे हो यार ग्रैनी हाउस, अच्छे अच्छे सामान दो। तो गाइस मुझे स्पार्क प्लग मिल चुका है, ये कुछ काम का नहीं, बेकार चीज़ है ये, कार एस्केप में काम आता है गाइस। तो गाइस मैं अभी शॉटगन का यूज़ करने वाला हूँ, तो रेडी हो जाओ ग्रैनी, यू आर रेडी टू टेक माय हेडशॉट ऑफ शॉटगन। तो गाइस मैं ग्रैनी को आज बहुत दूर से मारने का ट्राई करूँगा, देखते हैं जितने दूर से ग्रैनी मरती है या नहीं। लेट्स गो गाइस, बहुत थोड़ा मतलब दूर से मारा हूँ मैं, मीडियम रेंज से, मिड रेंज से मारा हूँ, ज़्यादा मतलब क्लोज भी नहीं, ज़्यादा मतलब दूर भी नहीं। तो गाइस मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ पे, आपको पता ही होगा वो प्लेस का नाम। अरे यार ये क्या हो गया भाई, क्या ही ग्लीच है भाई, ग्रैनी के ग्लीच अभी कभी ख़त्म नहीं होंगे भाई, क्या ही ग्लीच हुआ मेरे साथ और मेरा एक डे वेस्ट हो चुका है गाइस, देख सकते हो। तो गाइस कोई ना गाइस, एक डे ही वेस्ट हो चुका है, अभी मेरे पास 3 डे है। तो गाइस ये आखिरी डे मतलब ये डे में मेरा 100% कम्प्लीट हो ही जाएगा। तो गाइस चलो गाइस अभी मैं मेरी शॉटगन उठा के चला जाता हूँ। शॉटगन नहीं, अभी अपन क्रॉसबो लेंगे गाइस, क्रॉसबो लेके अपन चले जाएंगे नीचे। पहले तो ग्रैनी को टोचन देंगे, पिछले बार मेरे को ग्लिच से मारा, अभी तू मर जा ग्लिच से। तो गाइस चलो गाइस ये तरबूज के पास चलते हैं, मतलब जहाँ पे फ्रीज़र वाला तरबूज रहता है वहाँ पे। लेट्स गो। भाई हैमर नहीं मिला, आई थिंक हैमर 100% यहाँ पे ही है। तो गाइस ये रहा हैमर अपना, आपका पसंद था। तो गाइस यहाँ पे आपको ऊपर लेके मारना है थोड़ा, ये देखो ऐसे। तो लेट्स गो गाइस, मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, हैमर, लेट्स गो। और मैं ये हैमर से यहाँ पे दो प्लैंक तोड़ देता हूँ, तोड़ दिए। और गाइस मुझे मिल चुका है मीट, और मीट का यूज़ तो आपको पता ही होगा भाई क्या है, आपको ऊपर जाना है स्पेशल की लेके। तो गाइस मैं वो भी लेके जाऊंगा, टेंशन ना लियो। अभी मैं हैमर से डोर ओपन करता हूँ, ठीक है। तो गाइस अपना पूरा हो चुका है, अभी सिर्फ मेरे को एक कॉगविल चाहिए फिर मेरी गेम कंप्लीट, और आप लोग भी हो जाओगे कंप्लीट, मतलब आप वीडियो पूरी देख लोगे, ऐसे बोल रहा हूँ गाइस। हाँ गाइस मास्टर की का भी भूल गया, गाइस मास्टर की बहुत मेन होती है इस गेम में, अगर मास्टर की ना हो तो भाई गेम कंप्लीट नहीं हो सकती, आपको ये याद रखनी चीज़, ठीक है गाइस। मास्टर के का यूज़ बहुत ओपी है गाइस। तो गाइस मुझे अभी क्या मिलता है देखते, ऊपर कॉगविल मिलना तो अच्छा है भाई, कॉगविल मिले तो भाई बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तो गाइस आपको एक ट्रिक बताता हूँ, यहाँ से भी आप जा सकते हो सीधा शॉर्टकट। तो गाइस मैंने ले लिया वो शॉर्टकट,
और मैं पहुंच गया हूं, मैं शॉटगन लेके। मुझे लगा रानी आ गई भाई, क्या ही सस्ते नशे है रानी हाउस के। तो गाइस मुझे अभी जाना है ऊपर, और ऊपर मेरे को दे देना है शॉटगन से स्पाइडर को हेडशॉट। तो गाइस मैं स्पाइडर को हेडशॉट नहीं दूंगा, जहाँ पर रेड रेड दिख रहा है उसको मारूंगा, तो फिर ये नीचे गिर जाएगा ऐसे। तो गाइस मैं वहाँ पे मारता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, अभी स्पाइडर को मारने की ज़रूरत भी नहीं छाने लगे, ये ट्रिक्स एंड ट्रिक्स गाइस मेरे से ले लो। तो गाइस मेरे को मिल चुका है ये वेल का विंच हैंडल। तो गाइस विंच हैंडल को नीचे फेंक देते और ग्रैनी को दे देते एक पट्टा सा हेडशॉट। तो ग्रैनी आ रही है गाइस, क्या मैं दूर से हेडशॉट दे पाऊंगा? क्या गाइस मैं ग्रैनी को दूर से हेडशॉट दे पाऊंगा या नहीं? चलो गाइस लेट्स गो गाइस, आई थिंक ग्रैनी यहाँ पे है। लेट्स गो गाइस, ग्रैनी को यहाँ पे नहीं मारूंगा मैं, थोड़ा बाहर लेके मारता हूँ और ये सीधा हेडशॉट दे दिया गाइस ग्रैनी को, बैठी है। और ये मैंने एक और एमओ उठा लिया हूँ और मैं यहाँ से ले लूँगा शॉर्टकट, और मुझे जाना है अभी कुएं के पास। तो गाइस आपको पता होगा कुएं के पास क्या करते हैं, तो कुएं के पास आपको मतलब कुछ करना नहीं होता वहाँ पे, मतलब ये सामान लेके जाना है मुझे कुएं के पास। तो गाइस कुएं के पास जाऊँगा मैं, और यहाँ पे मैं ये कुएं में से कॉगविल निकालूंगा। तो गाइस 100% कॉगविल निकलेगा मुझे लग रहा है, विश्वास तो है भाई मेरे पे विश्वास करो गाइस, कॉगविल निकलेगा ज़रूर, कॉगविल निकलेगा भाई, कॉगविल निकल। तो गाइस देख सकते हो कॉगविल निकल चुका है, मैं बोला तो कॉगविल निकलेगा, और ये मिल जाएगा मुझे कॉगविल, और इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे पेस्ट, और मैं अभी प्ले हाउस की लाऊंगा, फिर अपनी गेम कंप्लीट हो जाएगी जॉड वॉट। तो गाइस प्ले हाउस की को मैं यहाँ पे ही रखा था, ये रहा प्ले हाउस की। तो मुझे एक और कॉगविन को लाना है, मतलब बाहर मिला तो है मुझे कॉगविन, बट मुझे उसको बाहर लाना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो ये मैंने कर दिया हूँ ओपन, और ये मैंने कर दिया हूँ कॉगविन को पेस्ट। तो मुझे एक और कॉगविन की ज़रूरत है गाइस, तो भाई वहाँ पे मुझे रश पैडलॉक की मिलेगा गाइस, 100% बता रहा हूँ रश पैडलॉक की वहाँ पे ही है मेरे को। तो कॉगविल कहाँ गया, ये रहा एक कॉगविल, रश पैडलॉक की गाइस, रश पैडलॉक की पता ही होगा ना आपको, रश पैडलॉक के का यूज़ मतलब नीचे सीवियर एस्केप में होता है गाइस, आपको पता ही होगा। तो लेट्स गो गाइस, मेरी गेम कम्प्लीट हो चुकी है, मैंने हटा दिया है ये देखो रश पैडलॉक की, हटा दियो मतलब करंट हटा दियो वैसे। अभी मेरे को सिर्फ मास्टर की लाना है। तो गाइस मास्टर की कहाँ पे मिलती है आपको पता ही होगा भाई, मिलती मतलब कहाँ पे मिलती नहीं ऐसे, मैंने मतलब ढूंढ के रखी है वहाँ पे वो प्लेस पे। उससे पहले ग्रैनी को एक हेडशॉट दिया जाए गाइस, बहुत मज़ा आता है गाइस ग्रैनी को मारने में, अपन एमओ वेस्ट करें या नहीं ये देखो। चलो भाई बूम्बा ग्रैनी है नहीं तब तक, भाई किधर है ग्रैनी, आ जा ग्रैनी जल्दी आ जा, वेयर आर यू नाउ। चलो भाई मैं तब तक स्प्रे का यूज करता हूँ। तो गाइस ग्रैनी मिल चुकी है, आती रहेगी। तो गाइस इसको अंधा करते, पहले ये कर दिया अंधा, और इसको यहाँ पे बुलाते। और मैंने ये ख़त्म कर दिया पूरा स्प्रे, और ग्रैनी को देता हूँ सीधा हेडशॉट। बोला जा ग्रैनी, अभी मुझे मास्टर की लानी गाइस, तो आपको पता ही होगा मास्टर की कहाँ पे है, नीचे, एंड मेरी गेम हो जाएगी कंप्लीट। ये रही मास्टर की, और लेट्स गो गाइस अपनी गेम कंप्लीट हो जाएगी। और एंडिंग का पार्ट है गाइस बहुत ओपी था भाई, ग्रैनी को पहले भाई मैंने स्प्रे देखे अंधा कर दिया, उसके बाद मैंने ग्रैनी को शॉटगन से हेडशॉट दे दिया गाइस, क्या ही ओपी में ओपी गेम प्ले।
तो गाइस जल्दी से लाइक कर दो, मेक श्योर टू हिट डेट लाइक बटन गाइस, बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए, दिन रात ऐसे वीडियो आते रहेंगे, एक्सट्रीम मोड पे भी ज़रूर खेलेंगे गाइस। तो चलो गाइस ओपन करते हैं और गेम ख़त्म। लेट्स गो गाइस, अपन हम लोग ने एस्केप कर दिया है ग्रैनी का डोर एस्केप, जॉर्डर वॉर्ड गाइस डोर एस्केप हो चुका है गाइस, मेक श्योर टू हिट डेट लाइक बटन, फटाफट से लाइक सब्सक्राइब कर दो गाइस। हाँ तो चलो गाइस मिलते हैं ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।